लोग रेंसन जो बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से आज स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज का रेसिपी है टोमेटो का चटनी। टोमेटो का चटनी की रेसिपी मैं भी आप लोगों से बताऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टोमेटो का चटनी। आज मैं टमाटर की चटनी का रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए देखिए मैं 2 kg टमाटर ली हूँ, अच्छे से इसको धो ली हूँ। धोने के बाद अब इसको बॉयल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज चटनी का रेसिपी बताऊंगी आप लोगों को। 2 से 3 गिलास इसमें मैं पानी डाली हूँ। पानी में सारे टमाटर को मैं डाल दी हूँ। अब इसको बॉयल करेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये टमाटर सारा बॉयल हो गया है। लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगा। हम ट्राई करेंगे कि जहाँ तक हो सके देसी टमाटर ही लें, क्योंकि देसी टमाटर अच्छे से ये घुल जाता है। अब इसको ठंडा होने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। बॉयल किया हुआ सारा टमाटर देखिए ठंडा हो गया था। मैं इसका छिलका को निकाल दी हूँ। छिलका उतारने के बाद मैशर की सहायता से सारे पल्प को मैं मैश कर दूंगी। ये अब चटनी बनाने के लिए तैयार हो गया है। देखिए कढ़ाई रख दी, गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ। अब इसमें सरसों का तेल जाएगा, लगभग 4 से 5 चम्मच। तेल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि चटनी हमें स्टोर करना है। अगर तुरंत खाना है तो थोड़ा कम भी तेल डाल सकते हैं, इसलिए तेल में थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। तेल के गर्म होते ही अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सरसों। सरसों के चटकते ही 2 सूखी वाली लाल मिर्ची जाएगा, और 5 से 6 करी पत्ता। अगर ताज़ा करी पत्ता हो तो वही डालें, मेरे पास नहीं था तो मैं सूखा वाला डाली हूँ। और गैस का फ्लेम को लो कर देंगे। अब थोड़ा सा हींग जाएगा, 1/4 चम्मच, और 2 चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इन सभी को मिक्स करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट को देखिए इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो ये मिर्ची पाउडर जल जाएगा। मिर्ची पाउडर डालने के बाद देखिए इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट में। अब जाएगा ये जो मैं टमाटर का पेस्ट रखी हूँ बना करके, वो इसमें जाएगा। इसको चलाते रहना है हमेशा, और लास्ट में इसमें जाएगा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। इसको तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, पानी की मात्रा बिल्कुल ही ना रहे। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, इसका पानी सारा सूख गया है। अब इसमें से जब तक तेल नहीं निकलेगा तब तक चलाना है इसको। देखिए चटनी में से तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें जाएगा सिरका, लगभग 2 से 2.5 चम्मच है। सिरका से खराब भी नहीं होता है चटनी, और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए चटनी बन के तैयार हो गया है, इसमें से तेल अलग हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को बंद कर रही हूँ। सिरका ऑप्शनल है, सिरका से आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं भी डालेंगे तो भी चटनी सेम टेस्ट का बनेगा। ठंडा होने के बाद मैं इसको बोतल में करके फ्रिज में रख दूंगी। इसको रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। चटनी को ठंडा होते ही देखिए मैं इसमें निकाल दी हूँ। कितना यम्मी दिख रहा है इस टमाटर से। आप कितना आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं टोमेटो का चटनी। आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।